क्योंकि कहते हैं ना, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बेटा, कि जब आप बाबू को समझने निकलोगे ना, तब पहली बार उन्हें मूर्ति में देखोगे। अब एक बार आप अपने राइट साइड देखो, आपके सामने जो बाबा का मंदिर है, हम रात के समय यहाँ आए, और सही बोलूं तो साईं कथा है ना, जो ये अनुभव की कथा है, इसमें जो बाबा ने लीलाएं करी है ना साईं सच्चरित्र में, वही आपके जीवन में भी होती है। जीवन से भिन्न नहीं है। कभी भी आप ऐसा मत समझना कि ये जो पुस्तक दिख रही है ना, ये पुस्तक है, ये आपका जीवन है, याद रखिएगा। जिन जिन लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा उसके बाद कहा कि ये तो मेरी जीवनी है, मेरे जीवन में हुई घटना है, ये सारी सिमिलर घटनाएं होती हैं। जानते हैं क्यों? बाबा जानते थे आप सबको अगर अध्यात्म की ओर मोड़ना है तो ना आपके हिसाब से करना पड़ेगा, आप लोगों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बाबा ने बनाई, बाबा का यह अवतार श्री साईं सच्चरित्र। आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कृष्ण अंकल हमारे, उन्होंने साईं कथा करी ना इस साईं सच्चरित्र पे, यहाँ जो पीछे लिखा है श्री साईं लीला रहस्य, साईं की लीलाएं अगाध हैं, वो अथाह समुंदर की तरह सागर की तरह है, कि जितना आप उसके अंदर से रत्न इकट्ठा कर सको कर लो, पर सागर इतना अनंत है, इतना गहरा है कि उसके अंदर कई अमूल्य रत्न है, आपके जैसे लाखों करोड़ों भी लेके जाएंगे तो भी उसके पास और करोड़ों के लिए पड़ा है। वो ऐसी साईं सच्चरित्र है। ये सच्चरित्र को सही कहा जाए तो बाबा ने लिखा, इस कारण ही इतने छोटे रूप में आ पाई। इतनी 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 खास है, आपको हर लीला के दो पहलू मिलेंगे, एक तो वो जो हम सबको समझ में आती है, और एक तो वो जो वो समझाता है, दोनों में बहुत भिन्नता, बहुत भिन्नता। अब जैसे अगर मैंने कोई एक कहानी पढ़ी, जैसे अभी छिपकली की कहानी, तो लोगों को ये चमत्कार लगेगा, ये लगेगा त्रिकालदर्शी बाबा है, इसके ऊपर ही कथा है, पर इसके पीछे का मैं तो जानते थे, उसका आध्यात्मिक रूप जानते थे, नहीं जानते थे। कैसे पता चला? जब उसने बताया, और हमेशा याद रखिए, वो उस रूप में कभी नहीं आ सकता वापस। अगर उस रूप में आ सकता तो श्री राम वापिस श्री राम होते, श्री कृष्ण वापिस श्री कृष्ण होते, पर नहीं, श्री राम और कृष्ण श्री साईं बन के आए इस जगत में। भगवान को आना पड़ता है, नए नए अवतार लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको समझाना है तो आप जैसा ही बनना पड़ेगा। जब श्री राम को आप सबको मर्यादा सिखानी थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, राजा राम बने, फिर जनता के अंदर उतरे वो। आपको सही कहूं, जब साईं कथा शुरू होती है ना, इसमें भागवत, इसमें रामायण, इसमें रामचरितमानस, इसमें नवनाथ, इसमें सब आते हैं। साईं सच्चरित्र साईं की चरित्र है, बाबा का रूप है, बाबा का रूप रेखा है, बाबा किस तरह से थे, बाबा आपके अंदर किस तरह से हैं, ये इसमें दिखाते हैं।